दैनिक सवेरा टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीन कुमार। अज पूरे विश्व के इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जा रहा, जिसनों लैके पूरे देश के जिते बख मुल्क इस दिन नू मनाया गया, उत्थे भारत के भी प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरे चाहे जल सेना होए, वायु सेना होए या थल सेना होए, उन्होंने वो वक् वक् थां दे उत्ते देश दियां सब तो उच्चियां चोटियां दे उपर अज इस दिवस नू मनाया जा रहा है। तुहानू तस्वीरां दिखा रहे हैं। एक तस्वीर तुसी देख रहे हो श्रीनगर तो, जिथे प्रधानमंत्री मोदी योग करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन्होंने नाल होर कई उन्होंने साथी योग कर रहे हैं। उस तो इलावा तुहानू होर तस्वीर दिखा रहे हैं जिहड़ी INS शिवालिक दी है, और वायु सेना किस तरीके दे नाल अपना योगदान पा रही है इस दिन दे विच। उस दे नाल ही तुहानू लद्दाख दीआं तस्वीरां दिखा रहे हैं, जिथे ITBP ते जिहड़े जवान ने वह योग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस दे नाल ही एक तस्वीर जिहड़ी तुहाडे सामने तुसी देख रहे हो, वह तस्वीर भी ITBP ते जिहड़े जवान ने उन्हां दी तस्वीर है। तुसी देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल जवानां दे वल्लों इस दिन नू मनाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी विशेष रूप दे विच अज कश्मीर पहुँचे सी, जिथे उन्होंने इस दिन नू मनाउणा सी, पर कुछ तकनीकी कारणां दे करके, हालांकि ये प्रोग्राम जिहड़ा सी प्रधानमंत्री मोदी ने इहदे विच हिस्सा लेना सी, और ये जिहड़ा प्रोग्राम सी पहला डल झील दे उपर सवेरे 6:30 बजे शुरू होना सी, पर तुसी हुण इस समय जिहड़ी तस्वीर देख रहे हो PM मोदी फस्ट फ्रेम जिहड़ा साडा तुसी जम्मू कश्मीर तो जिहड़ा देख रहे हो, उत्थे 6:30 बजे सवेरे डल झील ते बारिश होने के करके प्रधानमंत्री मोदी का यह प्रोग्राम जिहड़ा सी उह पोस्टपोन होया, उसनू शिफ्ट किया गया। हुण इस प्रोग्राम नू 8 बजे शुरू किया गया, और एक हॉल दे विच योग किया गया, जिथे तकरीबन 40 तो 50 लोग तुहानू उस फ्रेम दे विच नज़र आ रहे होणगे। पहला इस दे विच 7,000 के करीब जिहड़े लोग सी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी दे नाल डल झील दे उपर योग करना सी, पर बारिश के करके ये सारा प्रोग्राम जिहड़ा सी वो बदलना पिया। उस तो बाद तुसी तस्वीर देख रहे हो, दूसरी तस्वीर ITBP दे जवान ने इंडो चाइना बॉर्डर दे उपर उन्हां दे वल्लों योग किया गया। तस्वीर तुहाडे सामने है कि किस तरीके दे नाल देश दीआं जिहड़ियां सब तो उच्चियां चोटियां ने उन्हां दे उपर खड़े होकर जवानां दे वल्लों योग किया गया। सो ये चीज़ दर्शाती है कि जदों देश दे वल्लों कोई मुहिम छिड़ी जाती है, कोई दिन मनाया जाता, तो उस दे विच सिर्फ सरकार का योगदान नहीं हुंदा या आम लोगों का योगदान नहीं हुंदा, उस दे विच देश के जिहड़े जवान ने वो चाहे वायु सेना होए, जल सेना होए, थल सेना होए, उन्हों का बड़ा अहम योगदान रहिंदा है। सो ये तस्वीर जिहड़ी ITBP दे इंडो चाइना बॉर्डर के उपर जिहड़े जवान योग कर रहे ने, वो तुसी उन्हां तों अंदाजा लगा सकते हो, और ये सरहद ते मौजूद ने, इस दे उस साइड ते चाइना बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है, और 15,000 फुट तो भी वध दी उचाई ते ये योग किया जा रहा है, क्योंकि जिहड़ियां उच्चियां चट्टानां ने उहदे उत्ते अपनियां सेवावां निभाउंदे ने जवान। तो तुसी ये जिहड़ी तस्वीर देख रहे हो, देखण नूं तुहानूं लग रही होएगी कि बड़ी नॉर्मल है, पर तुहानूं दस दईए कि 15,000 फुट तो भी वध उचाई ते इंडो चाइना जिहड़ा बॉर्डर है उसके उपर जवानों के वलों ITBP के जवान ने उन्होंने वलों योग किया जा रहा। और उस तो तीसरी तस्वीर तुसी देख सकते हो, ITBP जवान जिहड़े लद्दाख दे विच योग कर रहे हैं, वो तस्वीर देखो, ये करजौक लेह की लेह लद्दाख की यह तस्वीर है, जिस दे विच अंतरराष्ट्री योग दिवस से ITBP के जवानों ने योग किया, उस दीआं तस्वीरां भी तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं। और एक फ्रेम दे विच तुसी देख सकते हो INS शिवालिक, उन्हां दे जवानों दे वल्लों भी तुसी देख सकते हो कि पानी दे विच समुद्री जहाज़ दे विच ये जवान बैठे ने, पर उत्थे भी योग किया गया। सो ये चीज़ ये तस्वीर ये जाहिर करती है कि जदों देश कोई मुहिम चलांदा है, कोई दिन शुरू करता है, तो उसनू पहला अपने देश दे विच जिहड़े नागरिक ने या जिहड़े लोग ने जदों तक वो शुरू नहीं करते, तो पूरा विश्व उसनू अडोप्ट नहीं करता। हुण जिस तरीके दे नाल भारत दे विच इस दिन नू योग दिवस नू दोबारा तो पुनर्जीवित किया है, जदों 2014 दे विच मोदी सरकार आई, मोदी सरकार दे वल्लों योगा दिवस, पहला योगा दिवस मनाया गया, और लगातार 10 साल हो गए ने, और उस तो बाद जदों भारत ने योग किया तो पूरी दुनिया ने इहदा लोहा मन्निया, पूरी दुनिया ने जदों लोहा मन्निया तो पूरी दुनिया नू लगा कि योग सिर्फ भारत
शुरू चाहे भारत तो होया है पर यह पूरे विश्व की लड़ है अपने आप को तंदुरुस्त रखने लिए अपने आप को दुरुस्त रखने के लिए योग की बड़ी लड़ है और पूरे विश्व ने इसको अडोप्ट किया। अज पूरे विश्व के बड़े बड़े मुल्क बड़े बड़े नेता जिहड़े ने अज इस योग दिवस के योगदान पा रहे हैं। ये तुहानू भारत दीआं तस्वीरां दिखा रहे हैं और कुछ समय तक साडे कोल इंटरनेशनल तस्वीरां भी सामने आ जाणगीआं, वह भी तुहाडे नाल सांझीआं करांगे कि किहड़े किहड़े मुल्क के किहड़े किहड़े आगू ने अज इस योग दिवस के योगदान पाया। सो प्रधानमंत्री मोदी की जिहड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं वह तस्वीर जम्मू कश्मीर की है। दरअसल अज प्रधानमंत्री मोदी का ये तुहानू शॉर्ट वेक दिखा रहे हैं। डल झील से अज ये प्रोग्राम होना सी पर डल झील से सवेरे 6:30 बजे प्रोग्राम शुरू होने तो पहला बारिश हो गई जिसके करके इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करना पाया शिफ्ट करना पाया दरअसल और फिर एक हॉल दे विच कीता गया। 7,000 के करीब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाल डल झील के उपर योग करना सी पर बाद दे विच जो उसनों शिफ्ट किया गया तो इस जिहड़े हॉल दे विच तुसीं देख रहे हो तकरीबन 50 के करीब लोग बैठे ने जिहड़े प्रधानमंत्री मोदी के नाल योग कर रहे हैं। सो योग दिवस के मौके के उत्ते दस दईए कि पूरे विश्व के अज 10वां योग दिवस जिहड़ा है वह मनाया जा रहा जिस दे विच भारत दीआं सारिया सेनावां अते खुद प्रधानमंत्री मोदी ने योग किया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया, ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है, योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आज मिल जाएगा जो मुझे से योग की बात करती हूं। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग
डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, द थीम ऑफ दिस ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। द वर्ल्ड इज लुकिंग एट योगा एज ए पावरफुल एजेंट ऑफ ग्लोबल गुड। योगा हेल्प्स अस लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट बैगेज ऑफ द पास्ट। इट कनेक्ट्स अस विद आवर सेल्फ एंड अवर डीपेस्ट फीलिंग्स। इट ब्रिंग्स अबाउट वननेस ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सॉल। योगा हेल्प्स अस रियलाइज दैट अवर वेलफेयर इज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। व्हेन वी आर पीसफुल विदिन, वी कैन ऑल्सो मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी
जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाए उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाए। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन मैंने कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।